Welcome to all my new playlist, which is related to all the quant chapters, which is including in banking preparation, or I bol sakta hu like the examination like MBA entrance or SSC, any kind of examination. Okay, so like usme pehla main baat kar raha hu about percentage. I have seen a lot of students jo directly type wise questions ko solve karne ka prayas karte hain, lekin बीच में कहीं अटक जाते हैं. तो उससे सबसे बड़ा पॉइंट अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा तो ये होता है क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता. अब बेसिक को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग जैसे बिफोर मुझे ज्वाइन करने के बाद कुछ लड़के कहीं से बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बेसिक का मतलब वो नहीं होता है. बेसिक का मतलब होता है कि कोई भी चैप्टर का बेसिक का मतलब लाइक मुझे उसको रियल लाइफ से अटैच करने के बाद क्या मैं उसका बेसिक जान पाता हूं, या उसका जो रूट पॉइंट होता है क्या उसको काफी अच्छे से मैं पहचान पाता हूं या नहीं, या मैं उसको अपने ब्लड में मिलावट या द काइंड ऑफ मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बना सकता हूं या नहीं. दिस इज द काइंड ऑफ बेसिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ठीक है, कोई भी इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज रहे, हमने बचपन से इसको निकाला है परसेंटेज को, लेकिन फिर भी हम उसको फेस नहीं कर पाते. सो लाइक टुडे आई वांट टू जस्ट डिस्कस अबाउट द बेसिक अबाउट परसेंटेज. इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ टाइप्स, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मे बी एक चैप्टर से रिलेटेड आपको 5 to 6 वीडियोस मिलेंगे. ठीक है, सो एंजॉय करना है सब चीज का. एंड आई एम फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, सो बिंदास आपका टॉपिक या आपका जो द काइंड ऑफ सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा. लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि लाइक इफ आई डिस्कस हियर 10 क्वेश्चन, सो यू हैव टू सॉल्व दीज 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड टू 10 टाइम्स. दैट इज योर फर्स्ट प्रोटोकॉल यू हैव टू मेंशन इन योर करंट प्रिपरेशन. एंड द सेकंड मैं बोलूंगा कि इसी से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आपको लेना पड़ेगा आपके हैंड में एंड ट्राई टू सॉल्व मे बी 100 और मे बी 200. इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना ज्यादा फास्ट आप चीजों को करना चाहते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट परसेंटेज. अब परसेंटेज का मतलब इसको दो पार्ट में अपन तोड़ दे थोड़ा. ठीक है, एक तो पर दिखता है मुझे राइट, और दूसरा दिखता है सेंट. सो वी कैन कंसिडर एज अ परसेंटेज. तो एक पर और एक सेंट. सेंट का एक सेंस आपको मिलता है, आपको पता भी होगा कि सेंट बोले तो मैं कंसिडर करता हूं सेंचुरी, विच इज नथिंग बट द 100. ठीक है, और पर बोले तो प्रति. ठीक है, सो लाइक इसको मैं कैसा कंसिडर कर रहा हूं, प्रति 100. यानी जो भी चीजें मेरी होंगी वेन आई मेंशन द साइन लाइक दिस, अगर मैं ऐसे साइन को कहीं मेंशन करता हूं तो जिसका मतलब होता है प्रति 100, म्हणजे प्रति शेकडा. मराठी में अगर मैं बात करूं तो प्रति शेकड़ा या प्रति 100. इट्स सिंपली मीन प्रति 100 की जब भी बात होती है तो इसको कैसा डिनोट करेंगे हम, 1/100 डिवाइडेड बाय 100. यानी परसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज हमारे कहां आने वाली है, डिवाइडेड. अब इसको कितने सारी चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूं कि लाइक मुझे एग्जाम में मेरा, अगर मैं बोल रहा हूं 10th में मेरा साइंस नाम का सब्जेक्ट था, और लाइक साइंस नाम का सब्जेक्ट जैसा मैं बोल रहा हूं 150 मार्क्स का था. ठीक है, और मेरे लाइक किसी ने बोल दिया स्वप्निल हाउ मच यू मार्क्स यू स्कोर इन द, या कितना परसेंट आपको मिला साइंस में. सो लेट्स से मैंने मेंशन कर दिया आई स्कोर 70%. सो मुझे 150 में से कितना परसेंट मिला, 150 ऑफ 150 में से, यानी 150 मार्क में से मुझे कितना मिला है, 70%. सो आई जस्ट मैं इसको ऐसा लिखूंगा, बराबर. तो इसका क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, तो ऐसा ही कोई अपना क्वेश्चन बन जाता है. अब लो, इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं. एक तो फॉर्मल दैट इज ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है. ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 लिख लो, इसका मतलब तो हमको पता है 1/100 होता है. तो ऑफ का मतलब क्या होता है आप बोलो, मल्टीप्लाई होता है. सो मैं इसको क्या लिखूंगा, 150 ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एज इट इज रख दूंगा, 70 ऊपर में डाल दिया मैंने, और नीचे में 1/100 को मैं, 1/100 इज नथिंग बट मैं ऐसा भी 100 लिख सकता हूं. कुछ लोग यहाँ पे बेसिक देखने वाले ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, सिर्फ 100 क्यों लिखा, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पे आप 1/100 भी लिख सकते हो. इसका और जो पहले लिखा था दोनों का मीनिंग भी सेम है. ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब आप सीधे सीधे जीरो को काट सकते हो ये जीरो से. आई होप आपको इतना तो काटना आता होगा या थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आता होगा. ठीक है, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट दिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन ही कर रहा हूं. तो कितना होता है, 105 मार्क्स हो गया, 15 = 105. तो विच इज नथिंग बट मुझे कितने मार्क मिले होंगे जनाब, 105 मिले होंगे, बराबर है ना. सो इसको मैंने एक डायरेक्शन के थ्रू सॉल्व किया, इसको ये हो गया ट्रेडिशनल वे जो सारी जनता फॉलो कर सकती है. ठीक है, दूसरा वे क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं. ठीक है, एक तो दूसरा तरीका होता है भाई, परसेंट का मतलब आपको कितने जीरो दिख रहे,
बॉटम में दैट इज नीचे में कितने जीरो दिख रहे, दो जीरो। अगर कोई भी चीज को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो आप ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो कर क्या रहा है, दो पॉइंट तो शिफ्ट कर रहा है, देखो ये दो जीरो हट रहे, ये दो जीरो हट रहे, सिर्फ 10 आ रहा है 1000 का। लाइक यहां पे 1000 डिवाइडेड बाय 100 कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड से कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहे, दो। अगर मैं बोलूं 2500 डिवाइडेड बाय अगर इफ आई से 100, 100 ही है ना, 100%, तो ये भी क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर शिफ्ट कर रहा है ऐसा, क्योंकि ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। या ऑल आई एम सेइंग कि कभी भी मैं डिवाइड बाय 100 करता हूं तो कितने पॉइंटर शिफ्ट हो रहे, दो पॉइंटर शिफ्ट हो रहे। इसको मैं और दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूं, देखो लेट्स से मैं बोल रहा हूं 150। अभी स्वप्निल सर ने बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है जनाब, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपली पुट यार मल्टीप्लीकेशन। अब ये 70 लिख दिया, अब अभी मैंने बताया था कि लाइक डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर हम पुट करने वाले। सो जो भी है हम राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर को पुट कर देंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक हो गया, या तो 100 के ऊपर दो जीरो है तो मैं डायरेक्ट माइंड से दो जीरो काट सकता हूं, तो रिमेनिंग क्या बचता है, 105 बचता है ना। ये भी क्रिएटिविटी हो सकती है, या फिर मुझे दिमाग में बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर यहां पर लेट्स से मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया 25 ऑफ इफ आई कंसिडर 5%, ठीक है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा आपको कि लाइक ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल मैं क्या करूंगा 25 × 5 कर दूंगा, और परसेंट का मतलब बार बार रिवाइज कर रहा हूं, मार्जिन के ऊपर लिख के रख दे रहा हूं, परसेंट का मतलब राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर, राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर, परसेंट का मतलब राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर, ठीक है। सो मैं क्या कर दूंगा, इनका सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 25 × 5 करता हूं तो इट बिकम्स 125 हो गया। लेकिन अभी मैंने मेंशन क्या किया है कि राइट हैंड साइड से सिंपली यू हैव टू पुट टू पॉइंट्स, पॉइंटर्स को मैंने यहां पे पुट कर दिया। सो इसका आंसर क्या आ गया, 25 का 5% कितना होता है 1.25, ये एक तरीका हो गया। सो कितने तरीके अपने अभी तक सीखे हैं कि लाइक एक तरीका दैट इज ट्रेडिशनल वे, दूसरा तरीका जनाब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई होने के बाद राइट हैंड साइड से दो पॉइंटर पुट करना, ठीक है। सो दो हो गए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा और इम्पैक्ट अपना ऐड कर सकता हूँ, जो आपको हेल्प होगा बॉस डीआई में और जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस में फास्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो देखते क्या है, यानी आपने सिंपल क्या बोला था आपको कि लाइक 150 का लाइक 70%, ठीक है, 150 ऑफ 70%, ठीक है। सो दिमाग में याद रखना इसको 70% के जगह मैं थोड़ा एक एक चीजें शुरू कर देता हूं, इसको फिलहाल हम हॉल पे रखते हैं। मैंने बोल दिया स्वप्निल सर 10% निकाल के दिखाओ 150। सो दिमाग में आ रहा है कभी भी मैं कोई भी चीज का 10% निकालूंगा तो राइट हैंड साइड से एक पॉइंटर जनरेट करूंगा। यानी इस एग्जांपल को छोड़ के अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे 157200, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा कि लाइक ये सब चीज का 10% कितना होता है, तो अभी मैंने मेंशन क्या किया, कभी भी मुझे कोई भी चीज का 10% निकालना हो तो मेंशन करके रखो राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से वन पॉइंटर, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंटर पुट करना है। यानी ये जो भी है लाइक 157,200 है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, लाइक इसका 10% कितना होता है जनाब, 15,720, समझ में आ गया, दैट इज 1,500,720। तो मैंने राइट हैंड साइड से वन पॉइंटर पुट किया जब बात आई 10% की। दूसरे तरीके से बात करता हूं मैं, सर इसका 1% कैसा निकलेंगे, 1% के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये राइट हैंड से कितने पॉइंटर होंगे, 10% के लिए 1 पॉइंटर होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 पॉइंटर्स हो जाएंगे। यार मुझे इसी चीज का 1% निकालना तो मैं राइट हैंड साइड से इसको डबल लिख लेता हूं, ये पहला क्वेश्चन हो गया फॉर 10%, ठीक है, 2,000 ऐसा लिख दिया। अब बोल रहा है 1% निकालना, तो 1% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो डाल दिया यहां पे 1% 2 पॉइंटर के साथ, यहां पे लिखा है 2%। यानी कोई भी चीज का मुझे 10% निकालना तो मैं राइट हैंड साइड से कितने पॉइंटर पुट करूंगा, तो राइट हैंड साइड से 1 पॉइंटर पुट करूंगा 10% निकालना हो, और 1% निकालना हो तो राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर पुट करूंगा।
एंड ऑल आई एम सेइंग 10% और 1% की बात तो बड़ी प्यारी तरीके से क्लियर हुई। अब अपन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यानी इसका 10% क्या हो जाएगा बोलो, या आपने मैं राइट हैंड साइड से अभी बोला कि 150 का 10% बोले तो राइट हैंड साइड से एक पॉइंट रहने आ गया, 15 आ गया, फिर सर सोमले सर इसी ने बोल दिया 20% निकाल के दिखा, तो अब क्या करेंगे कि 150 का मुझे पता है 10% बोले तो राइट हैंड साइड से एक पॉइंटर हो गया दैट इज 1, और 20 बोले तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये कितना बन गया 15 बन गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सो आई सिंपली राइट हियर 30। अब मैं बोल रहा हूं लाइक इसी का मुझे 30% निकालना है, तो 30% निकालना तो सेम 20 निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 40 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूं 30 निकालना है तो मैंने 150 डाल दिया या फिर पॉइंटर डाल दिया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करूंगा विच बिकम्स 45 हो गया। मैं बोल रहा हूं कि लाइक 150 का मुझे 40% निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, ये पॉइंटर डाल दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 60 हो गया, यानी ये तो बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ये भी हो सकती है कि लाइक आपको ये भी लिख के रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूं, ये आपका हो गया होगा, ठीक है, मैं इसको पोच लेता हूँ बॉस, ठीक है। चलो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक और प्रॉपर्टी में हम थोड़ा डीप जा रहे हैं, आपको लिख के रखना है, बस थोड़ा सा मैं मेंशन करके दे रहा हूं कि 50% का मतलब क्या होता है। देखो 50% का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100, सो 50 डिवाइडेड बाय 100 करता हूं तो इसका आंसर अब ये मत पूछना क्या होता है, बस 1/2 होता है। सो कोई भी चीज का 50% क्या हो गया 1/2 हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि लाइक कोई भी चीज का मुझे अगर 20% निकालना है, लेट्स से 20%, सो मैं क्या करूंगा 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, व्हिच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज का 25%, तो 25% क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया इट बिकम्स 1/4 हो गया, है ना। फिर मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज का लाइक कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज हो गई 50 20 75, और एक ले लेता हूं मैं 75%, तो 75% क्या हो जाएगा लाइक 75 डिवाइडेड बाय मैं बोल दिया 100, तो ये हो गया भाई 3/4 हो गया, क्योंकि 25 किया 75 से कट जाएगा, 25 400 कट जाएगा, तो इट बिकम्स 3/4 हो गया। सो मेरा आपको एडवाइस है इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको करना क्या भी ध्यान देना, अब 1/2 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लाइक 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 और 1/10, ये एक पेज के ऊपर खुद को लिख के बताओ कि 1/10 कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो लाइक अब इसको सिंपल ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अपन ने ऐसा निकाला है ना तो वैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसका लिस्ट बना के खुद को बता देना, ठीक है, एक चीज हो सकती है। अगर नहीं आएगा तो जस्ट कमेंट भी लो, हो सकता है अगर मुझे कमेंट आ जाए तो एक आधी वीडियो सेपरेट इसके ऊपर बना के दे दो आप लोग के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो, ये आपको कहीं पे भी डेटा मिल जाएगा, इफ आई टॉक अबाउट कोई बुक के ऊपर या कुछ भी कहीं पे भी मिल जाएगा, अगर नहीं समझ में आता है क्योंकि वो सब चीज में और अपना टाइम जाएगा, तो लाइक नहीं आता है तो लाइक सिंपल मुझे मेंशन कर देना कमेंट के ऊपर, मैं आपको एक आधी वीडियो बना के दे दूंगा 5 मिनट का वगैरह, ठीक है। सो ऑल आई हैव सीन दिस इज ऑल अबाउट, ये चीजें अपनी बननी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज को मैं अगर एक तो हमने ट्रेडिशनल वे पढ़े कि डिवाइडेड बाय 1/100 करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइक 180 का मुझे निकालना है 20%, तो लेट्स से मैं क्या करूंगा 180 × 20%, यानी ऐसा कर दूंगा ये 0 से 0 कटाया कर गया, ये हो गया 36, ठीक है, ये एक वे हो गया। दूसरा वे मुझे पता है 20% के लिए मैं 10% निकालता हूं तो 1 पॉइंटर देता हूं, और 20 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अभी हमको क्या करना है, घर में आप ये सब कुछ देखने के बाद करीबन 30 से 40 क्वेश्चंस क्रिएट करना अपने माइंड से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि लाइक परसेंट का मतलब होता है 2 पॉइंटर राइट हैंड साइड से देना और वो चीजों को मल्टीप्लाई करना, यानी इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, और परसेंट का मतलब राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर होता है तो उसके बाद राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर दे दूंगा, तो सिर्फ 3 तरीके इसके बन सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे तीनों तरीके से बेस्ट मेरा रहता है जो मैंने यहां पे लिख के दिया है, क्योंकि ये डीआई के लिए आपका फास्ट कैलकुलेशन स्पीडी बनाने के लिए हेल्प होगा। अब आपको एक काम मैं दे सकता हूं कि करीबन मिनिमम यहां से 4 से 5 दिन या 10 डेज रोज सुबह उठ के मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस खुद के माइंड से क्रिएट करना, इनिशियल लेवल में दिक्कत वाले क्वेश्चंस मत क्रिएट करना, सिंपल सिंपल वैल्यू लिखना, जैसा 1 to 5 जो है आपके लिए होमवर्क है,
मैं बोल रहा हूँ इसके भाई 10% निकालो, 20% निकालो, 30% निकालो, 40 निकालो, 50 निकालो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा डीप जाने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ लाइक 500 के निकालो, 600 के निकालो, 750 के निकालो, 800 के निकालो, मैं बोल सकता हूँ लाइक 1520 के निकालो। ऐसा धीरे धीरे आप चलते चलना और ट्राई करना इसको माइंड के माइंड में कैलकुलेट करना, क्योंकि लाइक हमारा प्रैक्टिस इतना तगड़ा है कि हम डीआई में ये सब चीजें करते समय माइंड के माइंड में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दिस इज द बेसिक स्टेप। जब मेरा भी डीआई या मेरा भी परसेंटेज क्लियर होने के पहले मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया होगा इसका, तभी मेरा बन गया, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेप। अब मैं कुछ एक प्रॉपर्टीज वीडियो में आपको मेंशन कर देता हूँ, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें, लेकिन आपके लिए हेल्प हो जाएगा कि क्या होता है। चलो देखते, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग एक काम करके रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बस एक प्रॉपर्टीज वीडियो में ले लेते, फिर अपन टाइप टू पे घुस जाएंगे, ठीक है। सो क्या होता है देखते, जैसा मैं बोल रहा हूं यार एक लाइक एक्स परसेंट ऑफ वाई, ठीक है, मैं बोल रहा हूं चलो करते इसको छोड़ो, एक्स ऑफ वाई परसेंट इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं, वाई ऑफ एक्स परसेंट। ये क्या है पहले समझ लेते हैं, यानी इसके लिए देखो मैंने एक सिंपल एग्जांपल बुक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्स के लिए मैंने डाला भाई 36 ऑफ, सॉरी चलो थोड़ा सा उल्टा कर लेते इसको, मैं बोल रहा हूं 50 ऑफ 36%, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, 50 के भाई 36% निकालो। एक तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, जैसा सुनील सर ने पढ़ाया कि ये तो पढ़ाया नहीं, इसको स्प्लिटिंग से बता दो, एक तो मैं 30% आराम से निकाल सकता हूँ, 1 पॉइंट दे दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है। तो 30% प्लस क्या हो जाएगा 6%, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन 6% निकालने के लिए आपको 1.1% निकालना पड़ेगा, फिर 1% को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6% हो जाएगा। सो मे बी वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कभी कभी ये भी सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये x के जगह y और y के जगह x लिख सकते हो, 36 मैं इधर ला सकता हूँ, ऑफ लिख सकता हूँ, और 50 उधर लिख सकता हूँ, अब 50%, अब 50% मतलब 36 के 50%, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 36 के 50% बताओ भाई, 50% विच इज नथिंग बट कितना होता है, आधा होता है, तो मैंने सीधा आधा क्या कर दूंगा, 36 का आधा क्या होता है, आधा होता है, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अगर मैं बोलूं कि लाइक मैं बोल रहा हूं कि लाइक 96 ऑफ, चलो इसको थोड़ा उल्टा ले लेते, मैं बोल रहा हूं कि लाइक 20 ऑफ 96%, तो देखो ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि 20 का 96% निकालो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं कि 96 ऑफ 20% लिख सकता हूं, 20% तो आराम से हो जाएगा, इसका 10% क्या होगा, 9.6 होता है, तो 10% मैं लिख लेता हूं, 10% इक्वल्स टू कितना हो गया 9.6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20% हो जाएगा, इनटू 2 कर दिया तो ये कितना हो गया, 19.2 हो गया, है ना। तो बड़ा सिंपल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी से आपको और 15 से 20 क्वेश्चन, या मैं बोलूंगा 25 से 30 क्वेश्चन का डाल के देखना और सॉल्व करके देखना, यानी आपको क्या हो जाएगी, आपके हैबिट में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, और मैंने जो पहले 3 रूटीन बनाया उसमें से 2 रूटीन आपको फॉलो करना है, ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं करना है। 2 रूटीन कौन सा, और एक मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड से 1 पॉइंटर देता हूं 10% बनता है, राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर देता हूं तो 1% बनता है, और दूसरा रूटीन मैंने क्या बताया था कि लाइक परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो राइट हैंड साइड से जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद यानी चीजों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा और राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर दे दूंगा, क्योंकि परसेंट का मतलब राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर होता है। तो ये 2 रूटीन आपको फॉलो करना है, आपको हेल्प होगा। लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर प्रायोरिटी है तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ हाईएस्ट लेवल, ठीक है। ये प्रायोरिटी को फॉलो करोगे तो आराम से आपका कैलकुलेटिव माइंड बनना शुरू हो जाएगा, और अगेन आई एम टेलिंग यू आपका परसेंटेज बनना शुरू हो गया ना, आप सारे चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड बढ़ेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे, जहां पे मैं थोड़ा डीप जाऊंगा कि और अपनी क्रिएटिविटी आप किस तरह से परसेंटेज के बारे में बढ़ा सकते हो, और वहां पे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसके बाद का वीडियो पक्का जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।